नमस्कार, आज हम वसंत भाग एक के अंतर्गत इसके दूसरे पाठ का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। इस पाठ का नाम है बचपन, जिसे कृष्णा सोबती जी ने लिखा है। इस पाठ का संक्षिप्त सार इस प्रकार है। इस पाठ में लेखिका ने अपने बचपन की घटनाओं और यादों का वर्णन किया है। लेखिका पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। लेखिका का कहना है कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, उसके पहनने तथा ओढ़ने में बदलाव आने लगा। पहले वो गहरे रंग के कपड़े पहनती थी, परंतु अब वो हल्के रंग के कपड़े पहनती है। लेखिका ने अपने बचपन की फ्रॉकों के बारे में चर्चा की है। उसे अपने मोजों के बारे में भी याद है, जिन्हें वो खुद धोया करती थी। लेखिका को आज भी जूते पॉलिश करना अच्छा लगता है। उन दिनों जूते आरामदायक नहीं होते थे, अक्सर उनके काटने से पैरों में घाव हो जाते थे और उनका इलाज करवाना पड़ता था। प्रत्येक शनिवार को घर के सभी बच्चों को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। माता पिता का मानना था कि ऐसा करने से बच्चों की सेहत ठीक रहती है, लेकिन अब खान पान में काफी अंतर आ चुका है। उन दिनों न तो रेडियो होते थे और न ही टेलीविजन, कुछ घरों में ग्रामोफोन अवश्य होते थे। ध्यान दें, ग्रामोफोन एक ऑडियो डिवाइस हुआ करती थी, जिसमें गाने सुने जाया करते थे। उन दिनों बच्चों को कुल्फी, कचौड़ी तथा समोसे आदि खाने के लिए मिलते थे। गर्मियों में कोक तथा पेप्सी के स्थान पर शहतूत, फालसा तथा खसखस का शरबत पीने को मिलता था। बचपन में लेखिका को पेस्ट्री और चॉकलेट खाना बहुत पसंद था। शिमला के माल रोड के पास लेखिका का घर था। वहां वो खूब सैर करती थी। उसे चना जोर गरम खाना और शिमला के रिज पर घुड़सवारी करना बहुत अच्छा लगता था। उस समय हर बच्चे को फिल्म का ये गाना याद था, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम। लेखिका ने शिमला रिज पर खूब मजे किए थे। शाम को रंगीन गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़ तथा चर्च की बजती घंटियां लेखिका को बहुत ही मनोहारी लगती थी। सूर्यास्त के समय गुलाबी तथा सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल जाती थी। दूर दूर तक फैले हुए पहाड़ गहराने लगते और बिजली की बत्तियां जलने लग जाती थी। उस समय तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ियां नहीं थी, फिर भी कभी कभी उड़ते हुए हवाई जहाज देखने को मिल जाते थे। उड़ते हुए हवाई जहाज ऐसे लगते थे जैसे कोई भारी भरकम पक्षी आकाश में उड़ा जा रहा हो। लेखिका को बचपन की वो घटना याद आई जब उसने पहली बार चश्मा बनवाया था। जब कभी वो चश्मा लगाती तो लोग उसे हैरानी से देखते थे। अंग्रेज डॉक्टर ने कहा था कि ये चश्मा बाद में उतर जाएगा, परंतु ये आज तक नहीं उतरा। जब लेखिका चश्मा पहनती तो उसका चचेरा भाई उसे चिढ़ाने के लिए कहता था कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। लेखिका ये सुनकर खींच उठती थी। वो आईने के सामने खड़ी होकर बार बार चश्मा पहनती और उतारती थी। पहले उसे दुपट्टा ओढ़ना अच्छा लगता था, परंतु आजकल हिमाचली टोपी पहनना पसंद करती थी।